जनपद संभल के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक से कर्ज लेने वाले मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान किया। जनपद में काफी समय से फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक से कर्ज लेने का धंधा संचालित करने वाला गिरोह सक्रिय है। चौधरी सराय निवासी रईस अहमद के नाम से भी फर्जी दस्तावेज लगाकर दो लोगों ने बैंक से कर्ज ले लिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत बैंक में पहुंचकर की तो बैंक के कर्मचारी जांच पड़ताल में जुट गए। पीड़ित रईस अहमद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सदर कोतवाली पुलिस ने मुन्नी माता मंदिर के पास से बाबू निवासी चौधरी सराय और मुनव्वर हुसैन निवासी नई वाली जारत के पास कोर्ट से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी ने बताया कि वे फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक से कर्ज लेने का धंधा संचालित करते हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईडी ली, हम तुम्हारा लोन करा देंगे। इनने हमसे आईडी ली और 50,000 रुपए लिए, तो इनने लोन नहीं कराया हमसे, हमारा बिल्कुल भी। और हमसे कहता रहा ना आज हो रिया कल हो रिया, और आज हो रिया कल हो रिया, तो उनका छोड़ दिया, न हो रिया तो मत कराओ। तो इनने आईडी लेके दूसरे को रहीस बनाया, वल्दियत मंसूर, उसका फोटो लगवा दिया। दिल्ली दरवाजे का रहने वाला हो, उसे फर्जी आईडी पे लोन कराया इनने। फर्जी आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाया इनने उसका रईस मंसूर से, और पंजाब नेशनल से इनने उसका लोन करा दिया। इनने लोन निकाल भी लिया। पता कैसे चला? हमने जब खतौनी खाद लेने के लिए निकालने गए, तो जब हमें पता चला, जब हमने बैंक में जाकर चेक करा, फिर मैनेजर ने उसे बुलवाया, बोला आपकी वो आई है, मुआवजा आया आपके लिए, तो उसे बुलवाया। तो जब उसका वो गिरफ्त में आया। क्या नाम है? मेरा नाम मुदस्सिर, आजी मुदस्सिर। कहाँ रहते हो? चौईसरा। कहाँ